पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो खतरनाक है ना, जो औरत घर में फारिग बैठी, जिन करेंगे मेरी छोटी बेटी ने मुझे इंस्टा और व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया हुआ है। अच्छा, कि मामा ने सारा दिन मीम्स और रील्स भेज भेज के ना मुझे तंग की। आप माशाल्लाह यंग मॉम हैं, तो आपकी शादी भी जो है वो यंग एज में हुई होगी, तो उसका क्या था, कितनी एज में आपकी शादी हुई और फिर आपने किस तरह उधर से ग्रो किया? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉन स्टॉप पॉडकास्ट। मेरा नाम है जलाल और ये मैंने पहले इंट्रो ऐसा नहीं दिया था, ये मैं दोबारा दे रहा हूँ। वापस हम लोग उस पे जीरो पे आ गए। हम जीरो हमने एक दफा रिकॉर्ड की थी, हमारी मेरे ख्याल से 15-20 मिनट हो चुकी थी पॉडकास्ट। हम कहते हैं ना जीरो से हीरो और हीरो से जीरो, हमारा वही हुआ। हम जीरो से हीरो बन गए, फिर हम हीरो से जीरो बन गए, अब दोबारा हम वापस। खैर आज है हमारी बहन की तबीयत खराब और इन्होंने जब हमारी पॉडकास्ट, मेरा गला भी बहुत खराब है, रोजा इनको फुल लगा हुआ है, इनकी आंखों से पता चल रहा है हम सबको। और मुझे नहीं लग रहा था, इस वाली मुझे लग इस वाली पे लग रहा है क्योंकि दोबारा से रिकॉर्डिंग शुरू होगी दोबारा से, है ना, उससे थोड़ी सी हमारी एनर्जी कम। चले हम अपने गेस्ट की तरफ आते हैं। गेस्ट ने हमें चपेड़े मारने, उन्हें तुम लोग क्या रोजे में तंग करो। जलाल भी आज की हमारी गेस्ट कौन है? आज की हमारी जो गेस्ट है वो माशाल्लाह बहुत ही स्वीट और खूबसूरत यूट्यूबर भी है और इंस्टाग्राम पे भी उनकी काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है और सरगोधा से उनका जो है ताल्लुक है। और हम वेलकम करते हैं राशिदा मलिक को। कैसी हैं आप? दोबारा से तालियां, दोबारा से तालियां। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर से हमारे लिए यहाँ पे चल के आई हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट किया। इनवाइट तो करना है हमने, इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी को भी इनवाइट करना है, इतने अच्छे टैलेंट को भी इनवाइट करना है, चाहे वो जिधर मर्जी हो, तरले मारने हैं, हाथ जोड़ने हैं कि भाई अल्लाह का वास्ता जी हमारे पॉडकास्ट में आ जाएं। और ये जितनी आवाम बैठ के आराम से मतलब आराम कर रही है ना सुकून से कि हाँ भी मेरे माँ बाप के पास पैसा बहुत है तो मैं यही खा के गुजारा कर लूँगा, वो मोटिवेट हो जाएं कि भाई जिंदगी में मेहनत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैंने कहा आप जैसे, आपने एक वर्ड बोला ना मोटिवेट, सही है, अब वो मैंने अलग अलग कर दिए, मोटी और वेट। इन्होंने इनका वेट जो था ना वो 106 केजी था, इन्होंने हमें बताया 106 केजी, और इन्होंने वापस 65 पे किया है। तो मेरे ख्याल से शुरू मेरे ख्याल से उस वाली जर्नी से कर लेते हैं। हाँ, वेट लॉस जर्नी वो बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल एक तो ये है कि घर बैठे पैसा कैसे कमाया जाए, सबसे ज्यादा ये वायरल होता है, और इसकी ये बात वेट लॉस बिना कुछ किए, हाँ, कैसे घर बिना बैठे, कुछ किए, घर बिना जिम, बिना जिम, बिना जिम किए, हाँ। बिना कुछ कोई इतनी मुशक्कत किए आप किस तरह वेट लॉस कर सकते हैं? नहीं, हमारी एक टाइम आएगा, हमारी जो ऑडियंस है ना वो हमें कहेगी हम सोए हुए पैसा कैसे कमाए, हम सो जाए और कोई आके हमारी जेब में डाल दे। वेट लॉस कैसे किया? मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो उस टाइम मेरा वेट जो था वो 106 केजी था। मेरी सब कज़न्स ने और सब ने कहना शुरू कर दिया अब ये वापस पतली नहीं होगी। अच्छा, मैंने ना इस चीज़ को ऐसा चैलेंज ले लिया, मैंने कहा नहीं यार पतले तो होना ही होना है, क्योंकि मैं थोड़ी सी यंग मॉम भी थी तो मेरा दिल था कि मैं हमेशा ना बस फिट रहूँ, शुरू से मेरा यही दिल करता था। और मेरी बेटियों का इसमें बड़ा था, मेरी बेटियाँ मुझे बहुत ज़्यादा कहती हैं, अभी मैंने फिर अपना वेट जो है काफ़ी पुट ऑन किया हुआ है। मेरी बड़ी बेटी मुझे जब कॉल करेगी मामा अपना वेट कम करें, तो उसके लिए कमल कोई ऐसा कुछ खास नहीं किया। मैं एक दिन जिम नहीं गई, मतलब लाइक सिर्फ मीठा, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, चावल और रोटी, इसको मैंने अवॉइड किया। बाकी अपने आप को एक्टिव किया, बाकी कुछ ऐसी मैं कोई क्रैश डाइट पे नहीं गई, प्रोटीन डाइट पे मैं रही और मैंने बड़ा हेल्दी वे के अंदर, मैं माशाल्लाह इतनी एक्टिव हूँ, बड़ा हेल्दी वे के अंदर ना मैंने अपना वजन कम किया। और ये आपने सारी अपनी जर्नी यूट्यूब में मैंने शेयर की हुई है, उसके 8 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं। और जब मेरा ये वेट लॉस जर्नी जब मेरी वायरल हुई तो आप यकीन करें मुझे फ़ौरन से कपिल शर्मा के शो के जो प्रोड्यूसर है उन्होंने मुझे मैसेज किया, तो उन्होंने कहा ये आप हैं? मैंने कहा जी। कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रही है, फिर उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, तो मुझे अच्छा लगा कि जाहिर है आपने उन्हें कहना था मुझे कपिल शर्मा के शो में, वो कह रहे थे वीज़ा का ना इशू होता तो हम आपको बुलाते यार। अभी उनसे रब्ता करें, उन्हें कहें भाई हम कहीं और से आ जाते हैं, मेरे साथ कवल को भी बुला लीजिए, दोनों बहने साथ में जाएंगे, ऐसे ही कर लेंगे, जाके जरा इंडिया में थोड़ा सा हल्ला गुल्ला तो करके आएंगे। मुझे इंडिया जाने का इतना शौक है, मुझे खुद शौक है, इतना बहुत ज्यादा, वहाँ के लोग कितने स्वीट है, ऑडियंस हमारी कितनी स्वीट है इंडिया। मैं उर्दू पॉइंट पे जब होती थी तो हमने वो जब 14 अगस्त पे ये वाघा बॉर्डर जाना, तो मेरा दिल करना कोई मुझे ऐसी चपेड़ मार के उधर फेंक दे, मैं उधर चली जाऊँ, मैं उधर से घूम के आ जाऊंगी। ना ना, एक दफा हमारा प्लान बना भी,
लेकिन जब वो प्लान बना तो हमारे मामला खराब हो गए इंडिया के साथ. मैंने कहा अभी होने थे, कम अभी होने थे, चली exactly ऐसे तो खैर वो तो हो गया. अच्छा यार मैं ये बात इसमें एक ऐड करूँगी कि ये जो वेट लॉस है ना, हम लोग इसमें ये करते हैं कि जो हल्का सा अपना वेट गेन करता है या जो शुरू से ही ऐसा होता है, ये किसी के जीन्स में भी ऐसा होता है, तो उनको हम बदसूरत कहने लग जाते हैं. हम बड़ा बॉडी शेमिंग करते हैं, इतना उसको गंद बोलते हैं कि बेचारा इतना डीमोटिवेट हो जाता है कि वो फिर अपनी कोशिश ही नहीं करता. तो exactly. आप किस तरह उनको मोटिवेट करेंगे? आप मुझे ये बताएं कि जब आप ने बेबी कंसीव किया तो आपका कितना वेट था उस टाइम? मेरा आई थिंक 63 केजी वेट था. 63 से 106 पे गई. मैंने बहुत खाया पिया, मतलब कहते हैं हम पंजाबी हैं, हमारी देसी डाइट मटन रोटी, मैं हर चीज़ खाई पी. मैंने कहा मेरे बच्चे का टाइम है, मतलब मैं प्रॉपर खाऊं. और मेरा जाहिर है तीन पहले बेटियां थी, फिर मेरा बड़े अरसे के बाद मैंने कंसीव किया, तो मेरा ये दिल था कि नहीं मैं अब प्रॉपर खाऊं पीऊंगी, प्रेगनेंसी मैं अपनी फुल इंजॉय करूंगी. अच्छा. और उसके बाद जब मेरा बेटा हो गया तो मैंने तकरीबन 20 दिन के बाद ही ना मैं अपनी नॉर्मल रूटीन में आना शुरू हो गई. ये जो एक मिथ्स हैं कि आपने मतलब लाइक ये नहीं खाना, देसी घी बहुत ज़्यादा खाना है, मैंने नहीं खाया. मतलब वो जो एक मिथ्स हमारी, जितना हमारी दादियाँ नानियाँ और अम्मियाँ जो हमें खिला देती हैं देसी घी और मटन पंजीरी और वो, मैंने ड्राई फ्रूट मैंने खाया, मैंने पंजीरी नहीं खाई. मतलब थोड़ा सा अगर आप अपनी डाइट को रद्दोबदल कर लेना तो आपका वेट कम हो जाता है. अच्छा ये मुझे आजकल इतना होता है कि अब मुझे जब भी मैंने अपना वेट, अभी आपको मैंने बताया कि मैंने पुट ऑन किया हुआ है काफ़ी ना, तो अभी जब मैं अपनी कोई भी ट्रांजिशन अपलोड करती हूँ या इंस्टाग्राम पर कोई भी अपना कंटेंट अपलोड करती हूँ तो मुझे लोग कहेंगे आप इतनी मोटी हो गई या मोटी लग रही हैं, तो मैं कहूँगी यार मेरी शादी को 21 साल हो गए हैं. दूसरा आप ये देखें कि मैं, मेरे यंग माशाल्लाह बच्चे हैं. और तीसरा मैं कहती हूँ आपकी ब्यूटी मैटर करती है, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आपके बाल अच्छे हैं, आपके नेल्स अच्छे हैं, आपकी स्किन अच्छी है, तो कोई बात नहीं. हमने क्यों एक ब्यूटी स्टैंडर्ड जो है वो स्लिम जीरो साइज, हमने लोगों ने पता नहीं क्यों इमेजिन कर लिया कि जीरो साइज होंगे तो तभी आप जो हो वो मतलब अच्छे लगोगे, एक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर लिया. अच्छा मुझे लगता है कि इस पे ना बहुत बड़ा किरदार हमारी ब्रांड्स का भी है. एग्जैक्टली हमारे जितने भी ब्रांड्स है ना वो हमेशा बड़े से बड़ा उठा लें. अब थोड़ा सा इनका चेंज हुआ है, जैसे वो एक मूवी आई थी डबल एक्सेल, शायद देखी हो, उसमें सारे एक्सेल एक्सेल साइज़ की लड़कियां थी, तो उन्होंने बताया कि आपका वेट ज़्यादा होने के बावजूद भी अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं तो आप एग्जैक्टली हर जगह पे काम कर सकते हैं. बड़े मज़े किया. एक दो ब्लॉगर्स हैं बल्कि मैं देखती हूँ कि वो माशाल्लाह थोड़ी सी चबी है, लेकिन वो आप ये देखें कि उनके अंदर टैलेंट क्या है, इतना अच्छा कितना अच्छा वो काम कर रहे हैं लेकिन ये कि हम ब्रांड्स ने ना जीरो साइज पे कर दिया. हम भी कभी पीआर पे कपड़े लेने जाए ना, यहाँ में अगर वो भेजे तो उनके सैंपल जीरो साइज पे होते हैं. भाई हम कहाँ से जीरो लेके आए जी? मतलब आप, मुझे याद है कि जब मैं पतली थी ना, पतली क्या, जब मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थी तो बिल्कुल ऐसे अभी भी आप बहुत पतली हैं रियल में. नहीं, 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 वो तब तो बहुत ही सुखी सी थी. तो घर वालों ने कहना हाइट अच्छी है, तो घर वालों ने कहना ये क्या हैंगर पे कपड़े लटकाए हैं. एग्जैक्टली मतलब अगर आप पतले हो तब भी इतराज है. और अभी वेट गेन हुआ है, इतनी मोटी हो गई हो, ऐसे ही है. मतलब कि आपको इतना वो डिग्रेड किया जाता है हर जगह, लड़कों को भी ऐसा किया जाता है ना. जैसे जलाल भी को हम कहते रहते जलाल भी पेट अंदर कर रहे जलाल भाई बड़ी शर्ट पहना के रहे जलाल वैसे हम तंग करते हैं, मतलब वैसे बुली नहीं करते, बॉडी शेम नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए, करते हैं ये लोग, ये करते हैं नहीं जलाल भाई नहीं करते. नहीं मैं तंग करते रहते. मैं ये कहती हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान में एक एजुकेशन का सिस्टम है ना, एक बच्चों को एक रटालाइजेशन पे लगाया हुआ है, ये रटते जाओ ये रटते जाओ. मैं कहती हूँ सबसे पहले आप बच्चों को एथिक्स सिखाएं. इतना ज्यादा हमारी, मैं कहती हूँ अवाम को एथिक्स सीखने का इस टाइम शदीद वाली ज़रूरत है, शदीद वाली ज़रूरत है कि आप लोगों को पहले एथिक्स तो सिखाएं. आपने किसी से बात क्या करनी है, आप कुछ ऐसा ऐसी बात ना करो कि अगला जो है वो मतलब डीमोटिवेट हो. और आप ये देखें कि अब हमने एक कंटेंट बनाना है, आप यकीन करें मेरी जो इंस्टाग्राम की वीडियोज़ होती हैं उन पर मेरी इतनी जान लगती है मैं आपको बता नहीं सकती. मतलब मैं अपनी तरफ से बहुत वो काम करती हूँ, 110% देती हूँ. मैंने सुबह उठना है, मैंने सैलून जाना है, मैंने मेकअप करवाना है, मैंने घर देखना है, मैंने बच्चे देखने हैं, मैंने व्लॉग करना है, सारा कुछ हो रहा होता है. अच्छा जब भी आप एक अब औरत बैठी हुई है, मैं इतना काम करके कैमरामैन को दी, वीडियो उसने एडिट करके भेजी, कभी कोई मिस्टेक हो गई, अब एक औरत घर बैठी हुई है जैसे हमारी वीडियो अपलोड होगी उसने ऐसे देखनी, उसने कहना इसमें फलां नुक्स है, इसमें फलां नुक्स है, इसमें फलां नुक्स है, वीडियो भी पूरी नहीं देखनी. और ये उनको हालांकि ये चाहिए वो देखें यार ये तीन बच्चों की अम्मा है, इसका घर है, इसने जीरो से स्टार्ट किया, ये औरत कहाँ पहुँच गई है. मतलब आपके बाल यहाँ से ऐसे खराब हैं, अच्छा आप वहाँ से मोटी लग रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान आप में ये कलर सूट नहीं कर, आप ये कलर सूट और मैं नहीं आती, आप कैसी ड्रेसिंग कर, अपनी उम्र देखो और अपने काम देखो, बड़े बड़े तुम्हारे बच्चे हैं.
अच्छा फिर मैं ये सोचती हूँ, मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो खतरनाक है ना, जो औरत घर में फारिग बैठी हुई, फारिग एग्जैक्टली, तो सबसे ज्यादा खतरनाक बीवियों को किसी काम पे लगाए, काम पे लगाए, सिलाई कढ़ाई सिखा लें उसको, अल्लाह का वास्ता। और वैसे भी कहते हैं ना, खाली जो दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है, तो आप उससे थोड़ा बचे। अच्छा ये ना मोटे से मोटापे से बात शुरू हो रही है ना, खूबसूरती की बात कर रही हूँ। मुझे याद है मैंने ना पिछले दिनों में पता नहीं मुझे कौन सी इतनी मची हुई थी एक चीज की, यार मैंने लैश करवानी, लैश एक्सटेंशन करवानी है, करवाने चली गई मैं। अब वहाँ पे एक ना बड़ी प्यारी लड़की, इतनी खूबसूरत माशाल्लाह लड़की, हेल्दी थी थोड़ी सी, इतनी नहीं कि आपको, कि वो मोटी वाला सीन नहीं था, प्यारी हेल्दी थी। मैं ना वो अपना फेशियल करवा रही है और मैं साथ में ना लैश एक्सटेंशन करवा रही हूँ, 2 घंटे लगते हैं उसमें। तो वो बार बार कह रही है कि ये कवल ही है ना। तो वो कह रही है कि आप मुंह तो सीधा करें, आपका फेशियल तो मैं कर लूँ। हाँ कवल ही है, वही है, करवा लिया। मैं उठी हूँ, कहती यार बड़ी प्यारी लैशेज लग रही हैं, मैंने भी करवानी है, आपका कैसे एक्सपीरियंस है? मैंने कहा मैंने तो अभी आज करवाई है, अब देखूँगी कैसा एक्सपीरियंस कैसा नहीं। कहती मैंने कहा आप क्यों करवा रही हैं, क्या शादी वगैरह? नहीं नहीं मेरा रिश्ता देखने आ रहा है। और यकीन जाने उसकी अम्मा, मुझे लगता है माओ का भी, जैसे आपने कहा है कि मैं अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा जोड़ी हूँ, माओ का भी किरदार बहुत बड़ा होता है अपनी औलाद को सपोर्ट करने में, वालदैन का खास करके। उसकी अम्मा ही चिट्टी गोरी जलाल भाई, वो इतनी चिट्टी गोरी, वो नैन नक्श अच्छे। उसकी अम्मा कह रही है मैंने इसका ना कल ना वो करवाना है, पार्टी मेकअप भी करवाना है, बाल भी इसके स्ट्रेट करवा देने हैं, लैश एक्सटेंशन भी लगवा रही हूँ। मैं कह रही हूँ आंटी रिश्ता देखने आ रहे हैं, क्या टेंशन है आपको? कहती नहीं नहीं मैं चाह रही हूँ कि कल ही वो देखने हैं, कल ही बस ओके कर जाएं। फिर मैंने उन्होंने कहा, मैंने कहा आंटी अगर उससे शादी हो भी जाती है तो कल को उसने मुँह धो के तो फिरना है ना अपने बंदे के सामने। तो वो बच्ची की आंखों में आंसू थे और मैं इतना उस टाइम तकलीफ में। फिर मैंने जुलकर से बात शेयर की, मैंने कहा जुलकर जो मर्जी हो हमने नहीं अपने बच्चों को डिग्रेड करना। एग्जैक्टली मतलब कि मुझे नहीं लगता कि अपने बच्चों, यही मैंने आपको बात पहले की है ना कि लोगों को एथिक्स सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी की क्या, मैं कहती हूँ जरूरत लगे वो आए, वो आके आपको जज करे कि आपकी बेटी पतली है, हाइट में छोटी है, सांवली है, इसके हाथ पाँव ऐसे हैं। आप अपनी बेटी को इतना कॉन्फिडेंट बनाएं, उसे इतना इंडिपेंडेंट बनाएं, मतलब लाइक आप इतना उसे इंडिपेंडेंट बनाएं, उसे अपनी वर्थ बताओ। किसी की जरूरत ना हो वो क्यों आपको बात करे, हमें अल्लाह ने बनाया है। हाँ मैं जैसी हूँ, जिसने एक्सेप्ट करना है वो करे, जिसने नहीं करना वो ना करे। लेकिन यही हमारी एक सोसाइटी के सबसे बड़ा जो आप कह लें ना फ्लॉ है कि उन्होंने एक, हमने पता नहीं खूबसूरती का कोई मेयार से सेट कर दिया है। लड़की पतली है, अच्छा उसकी हाइट कम है, रिश्ता क्यों हो गया रिजेक्ट? उसकी हाइट कम है। अच्छा ये क्यों हुआ? उसकी हाइट कम है। लड़के वाले आ रहे हैं आप यहाँ से ऐसे करें, आप वहाँ से क्यों करें? आपकी बेटी पढ़ी लिखी है तो बहुत है, हमारे लड़के से हाइट कम है, हमारे लड़के से हाइट ज्यादा है, तब भी इशू है, तब भी इशू है। तो यही हमारी सोसाइटी को ये एथिक्स सिखाया जाए। नैनक्ष नहीं प्यारे, आंखें छोटी हैं, अंदर गई हुई हैं, हल्के पड़े हुए हैं, ये किसी से बातें करती होगी, ये रिलेशन मैंने सुने हुए ऐसे किसी। एग्जैक्टली मैं और अपने बच्चे देखे, अल्लाह माफ करे, बच्चों को कोई देखना ना पसंद करे, पर अगले की बच्ची में आपने 100 नुक्स निकाल के चले, क्यों निकालने? आप अपने बेटे में क्यों नहीं निकालते? क्योंकि उन माओ ने अपने बच्चों को एक उनका ऐसा बना दिया ना, फैंटिसाइज कर देती हैं माएँ अपने बेटों की पर्सनैलिटी को स्पेशली, तो उसमें वो बना ही ऐसे देती हैं कि नहीं हमारा बच्चा तो डिज़र्व करता है कि उसे बहुत अच्छी नाजुक सी लड़की मिले। मतलब क्या लड़की नहीं डिज़र्व करती? अब आप यकीन करें कि मैं हूँ ना, मतलब माशाल्लाह कि मैं यंग मॉम हूँ, तो मेरे बच्चों के साथ मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे बड़ी बेटी के साथ इस तरह अगर हम बैठे हों तो वैसे भी हम देखने में माँ बेटियाँ नहीं लगती, लेकिन ये मेरे मुँह की नहीं बात, आप मेरा इंस्टाग्राम देख सकते हैं। तो जब आप लोग बैठे हुए होंगे ना तो हम लोग बात इस तरह करते हैं कि लोग कहेंगे अच्छा ये माँ बेटी नहीं है, मतलब ये इतना ओपनली बात कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि जो भी आप लोगों से, अल्लाह ना करे अगर कोई गलती होगी है मुझे बताओ, कोई भी बात है आप मुझे बताओ, क्योंकि हम सब इंसान हैं, फरिश्ता तो कोई भी नहीं है। तो आप यकीन करें कि मेरी जो बड़ी बेटी है, अब उसके लिए जब मैंने उसको कनाडा भेजना था स्टडीज़ के लिए ना अब्रॉड, एक बहुत बड़ा हमारी फैमिली में फैसला था, क्योंकि मैंने किसी को भी नहीं बताया था, सिर्फ मेरे भाई को और हम 5 लोगों को पता था। जब उसका वीज़ा आ गया तो फिर अब्बू ने हमारा खाना किया हुआ था, तो वहाँ पे ना हमने सबको अनाउंस किया, तो सब बड़े शॉक थे कि इतना बड़ा फैसला, मतलब एक अकेली लड़की इतना दूर जा रही है। तो जाहिर है माँ को अपनी बच्ची पे एतबार इतना है, अपनी बेटी पे एतमाद इतना है। बिल्कुल। तो मेरे लिए भी वो बहुत एक मुश्किल फैसला था, लेकिन माशाल्लाह मेरे अपने बच्चों से इतनी बॉन्डिंग है हर लिहाज से। अब मेरे बच्चे, मेरा बड़ा दिल करता था कि मेरे बच्चे ना शरारती हों,
सोफों पे कूदें, अच्छा दीवारें गंदी करें, बेड पे कूदें, मेरे बच्चों को जहाँ पे आपने निला धुला के बिठा देना ना इतने बैठे रहो और ना बैठे रहना, उठना ही नहीं। और मुझे इतना होता था यार मेरे बच्चे शरारती हूँ, अभी भी घर में सबसे ज्यादा शरारती मैं हूँ। अगर आप पूछेंगे ना मलाइका को, आप कहेंगे अच्छा मलाइका ये चीज ऐसे खराब होगी, तो मेरे बच्चे कहेंगे अच्छा मामा से पूछो, मामा ने की, मामा ने की होगी, हमने नहीं की। अभी भी ये मेरी बेटी वॉशरूम में होना तो मैं लाइट बंद कर देती हूँ, मैं इनको इतना तंग करती हूँ। आप इमेजिन करेंगे मेरी छोटी बेटी ने मुझे इंस्टा और व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया हुआ है, मामा ने सारा दिन मीम्स और रील्स भेज भेज के ना मुझे तंग किया। इसे मैंने सुबह भेजा, मैंने कहा रुशत में मैंने फलां रील भेजी थी, कहती मामा आप तो ब्लॉक ने, इसने मुझे इंस्टाग्राम पे भी ब्लॉक किया, आप तो ब्लॉक ने। मैंने कहा ओके ठीक है। तो मेरे, मैं वैसे एक बड़ी चिल मॉम हूँ, और मेरा ये ख्याल है कि हर मदर को इतना चिल होना चाहिए, होना चाहिए। आपके बच्चों के साथ आपकी इतनी क्लोज बॉन्डिंग हो, हर बात आप उनके साथ शेयर करें, वो आपके साथ हर बात शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस आप उनको जितना आप एक दोस्ती करके उनको समझा सकते हो ना, क्योंकि सख्ती देखें कहीं पर भी अच्छी नहीं होती, रिश्ते टूटते हैं, चीज़ें भी टूट जाती हैं। इसलिए अच्छा बात हो रही थी शादी की और डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी की, तो आप माशाल्लाह यंग मॉम हैं, तो आपकी शादी भी जो है वो यंग एज में ही हुई होगी, तो उसका क्या था, कितनी एज में आपकी शादी हुई और फिर आपने किस तरह उधर से ग्रो किया? शादी मेरी हुई थी जब मैं 17 इयर्स की, मतलब हुई ही थी तो साथ ही दो महीने के बाद मेरी शादी हो गई, और 18 की थी तो ज़ाहिर है मेरी बड़ी बेटी पैदा हो गई। बस मुझे ये होता है कि हाँ मेरे बच्चे बड़े खुश होते हैं कि आप एक यंग मॉम हैं, लेकिन इसके अलावा मैं कहती हूँ कि नहीं, शादी आप जब तक लड़की इंडिपेंडेंट ना हो ना करें, जब तक उसे अपनी वर्थ ना पता हो, जब तक 23-24 साल तक उसे लोगों को डील करनी ना आ जाए, क्योंकि मेरी इतनी छोटी एज में शादी हुई। फिर आपको पता है जब आप छोटे होते हो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, आप किसी के साथ बात नहीं कर सकते, आप हर कोई आपको आपके ऊपर गालिब आ जाता है, आप नहीं आ सकते, वो एक होता है ना थोड़ा सा, तो वो मतलब उस टाइम फेस से निकलने में मुझे बहुत ज़्यादा साल लग गए। फिर एक हमारे माशरे में बड़ी ये बदकिस्मती है, आपकी किस्मत को बेटों के साथ जोड़ दिया जाता है, आप खुशकिस्मत हैं अगर आपके बेटे हैं। मैं ये सोचती हूँ कि आप अपनी बेटियों को इतना इंडिपेंडेंट बनाएं कि मैं कहती हूँ अगर कल को उनके मिनिस्टर के साथ भी शादी हो जाए ना, मिनिस्टर को भी पता हो कि मैंने अपनी बीवी को कैसे डील करना है, मैंने उससे कैसे बात करनी है। आप कमल जिस तरह आप बाप हैं, ठीक है, आप इंडिपेंडेंट हैं, चाहे माशाल्लाह आपके हस्बैंड जितना भी कमाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा होता है ना, मर्द को भी बात करते हुए पता चलता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ पाकिस्तान में हर औरत को जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसके बाद सबसे बढ़ के ये जो एक हमारा हो गया ना, बस बच्ची जो है उसको अच्छा रिश्ता मिल गया साथ ही उसकी शादी कर दो, बड़ी हुई है उसको अच्छा रिश्ता मिल गया उसकी साथ ही शादी कर दो। थोड़ा सा आप अपनी बच्चियों को मैच्योर होने दें, 22-23 साल तक बड़ी माशाल्लाह एक अच्छी एज होती है, फिर आप आराम से रिश्ता देख के शादी कर लें। मेरा तो एक्सपीरियंस मैं ये कहूँ ना कि बहुत अच्छा रहा है, नहीं मैं नहीं मानती फिर भी कि आपकी छोटी एज में शादी हो। क्या ऐसी क्या वो प्रॉब्लम्स आई थी? नहीं, प्रॉब्लम्स ऐस सच नहीं आई, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन डील करना नहीं आपको आता, डील करना नहीं, वही डील करना नहीं आता आपके ऊपर, लोग गालिब वाला सीन जो है कि नहीं आपको पता ही नहीं चलता ना इसको, इस सिचुएशन को मैंने कैसे हैंडल करना, जैसे लोग कहेंगे वैसे ही कर लें। वो जिस तरह मैंने अपनी कई दफ़ा मैं अपने Q&A में कहती हूँ, मैं कहती हूँ मैंने आज तक उन लोगों को सर पे बिठाए रखा जिनका मैं सोचती हूँ कि वो आज भी जूतों पे भी बिठाने के काबिल नहीं थे। तो वो आपको एज के साथ ये जो है ना थोड़ा सा समझ आती है, तो इसीलिए अच्छी मैच्योर एज में अपनी बेटी की शादी करें, ये बात ठीक है। अच्छा एक बात ना मैं वो ऐड करवाना चाहूँगा, क्योंकि जो हमने पहले जो हम कर रहे थे, क्योंकि हमने दोबारा से शुरू किया कैमरा वगैरह की उससे, तो उसमें आपने खुद बताया था ना कि आप मतलब कि फाखरा जो हैं खानम उनकी बहन है जी, और वो वाला भी एक थोड़ा सा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ क्लियर हो रहा है ना चीजें, क्योंकि आपने पहले बता दिया था और वो हमारा तो शूट नहीं हुआ, रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि वो आप भूल गई होंगी, मैंने कहा था कि नहीं नहीं फाखराफी के साथ इस तरह था कि आपने कहा ना कि आपको YouTube का ख्याल कैसे आया, हम 2020 में ना आपके साथ वीडियोस बनाया करते थे मेकअप की वीडियो ना, तो मैं जब उनके चैनल पे हमने जाना, हमने कोई काशिश के साथ हमने कोलैब किया, हमने वीडियो वगैरह बनाई ना, तो लोगों ने बड़ा पसंद किया। एक तो बड़ी उस टाइम मैं स्लिम भी बहुत ज़्यादा थी, उस टाइम मेरा 66 kg वेट था, तो लोगों ने बड़ा पसंद किया। फिर लोगों ने कहा अच्छा तो ये तो बड़ी यंग सी हैं, अच्छा आप भी अपना चैनल बना लें, तो फिर आप ही ने बड़ी मेरी हेल्प की, और माशाल्लाह मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ कि मेरी बच्चियाँ बेटियाँ मेरी बहुत ज़्यादा जो है ना उन्होंने मेरी हेल्प की। छोटी तो उस टाइम बहुत छोटी थी, आज से 3-4 साल पहले अगर आप ज़ाहिर पीछे जाए तो ये 12 ईयर्स की थी, तो मलाइका को बहुत ज़्यादा स्पार्क था उसके अंदर, मामा कुछ करना है, मामा कुछ करना है, मामा वीडियोज़ बनाते हैं। तो फिर हमने व्लॉगिंग शुरू कर दी, और उसमें सबसे पहली मैंने ज़ाहिर अपनी वेट लॉस वाली जर्नी जो है वो शेयर की, तो उसके वही वायरल होगी, और उसके एक दिन में यूट्यूब के ऊपर 2 मिलियंस प्लस व्यूज़ हो गए, तो उधर से मुझे बड़ा बूम मिला। आप ही ने भी शाउट आउट दिया, सब ने बड़ी हेल्प की, मतलब मैं बड़ी लकी हूँ, मेरे पेरेंट्स ने, सब ने। अच्छा कई लोग होते हैं, जब मैंने चैनल बनाया ना तो मुझे सब ने कहा कि अच्छा एक होता है ना थोड़ा सा कि क्या होगा, कई लोग जिस तरह मैंने एक चीज़ जज की है, अच्छा कईयों की माँ, मैं कहती हूँ कईयों की बेटियाँ या बहनें अपने हस्बैंड से या अपने
बाप से छुप के जिस तरह एक काम कर रही होती हैं, मतलब स्टेटस लगा रही हैं, अपनी वीडियोस बना रही हैं, वो उनसे छुप के काम करती हैं। तो जब मैंने दूसरी वीडियो अपलोड की ना, तो मेरे हस्बैंड को भी कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, यार ये कड़े काम है, तो इंटरनेट पे आ रही है, रास्ता भी इंटरनेट पे, बच्चियाँ भी इंटरनेट पे, रुशा भी इंटरनेट पे आ रही है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ मुझे पता है। अच्छा, मुझे हंसी इस बात पर आई कि क्या लगता है कि अगर आपकी बीवी और बेटियां छुप के आपसे इंटरनेट यूज़ करती हैं या काम करती हैं, तो क्या हम भी ऐसे ही हैं? एक कॉमन सेंस की बात है कि मुझे पता है कि मुझे पूरी दुनिया ने देखना है, तो मैं जाहिर अपने हस्बैंड की, अपने अब्बू की परमिशन लेके ही करूंगी ना। लोग ना पंप करते हैं, पंप, हाँ, ये आगे ना जाए, सिखाते हैं, कहते हैं कि अब जैसे जुल्कर को, अल्लाह माफ करे जुल्कर को तो नहीं, वैसे एक बात करूं, जैसे उसको कोई कहेगा तेरी बुढ़ी ने की पाया है, कड़े कपड़े पाए इन्हें, मतलब ये इसके साथ हंस रही है, इसके साथ ज्यादा हंस रही है। Exactly. ये अजीब, ये लोगों की आदत होती है कि लोग एक दूसरे को करते हैं, हर चीज पे इतराज करते हैं, और जेलस भी इतना होते हैं। फिर मुझे लगता है कि ये वही लोग आपसे जेलस होते हैं जो आपकी जगह पे खड़े होना चाहते हैं। अच्छा, मुझे बस अब ये बताएं कि पहली इनकम कितनी थी? कोविड का टाइम था, और पहले मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। मैंने अपने उर्दू पॉइंट वाले इंटरव्यू में बताया था कि मैं ना बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो शुरू से बहुत सर खपाई थी। लेकिन मैंने ना वो बच्चे मेरे शुरू से बहुत अच्छा इनका रिजल्ट होता था, तो इनके क्लास फेलोज और सारे आते थे। मैं बड़े मज़े से बच्चों को ना ट्यूशन पढ़ाती थी। उस टाइम पहले 6,000 थी, फिर 8,000 हुई, फिर 12,000 हो गई। फिर जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया ना, तो फिर मुझे ज़ाहिर है ट्यूशन क्विट करनी थी, तभी मैंने डेली ब्लॉगिंग पे आना था। तो मेरे लिए वो इतना मुश्किल सोच होती ना इंसान की, जब यूट्यूब नहीं कर रहे होते, तो मैंने कहा हाय मैं ऐ ना हो 12-16,000 तो भी जावा। तो मुझे बाजी कहती है नहीं नहीं तुम बहुत कमाल होगी। मैंने कहा अच्छा, अब फिर ये होता है कि जब तक हाथ में ना आए, हाँ पता पाकिस्तानी बड़े बेतबारे से हैं। अच्छा, जब मैंने यूट्यूब शुरू की तो कोविड आ गया, साथ ही कोविड था। वो 2 महीने की मेरी इकट्ठी इनकम, मुझे आज भी याद है 24 अप्रैल को मेरी आई थी, और पूरी माशाल्लाह 6,13,000 थी। माशाल्लाह, मेरी पहली वीडियो ही वायरल हो गई थी। फिर मुझे यकीन हो गया कि नहीं, यूट्यूब जो है वो पैसा देती है। कहते हो गए 2 साल भी मैं कमाती ना, उसमें आधा सर मैंने पैनाडोल पे देना था। एग्जैक्टली। और फिर मैंने 5-7 ही, मुझे 10-15 दिन के गैप से मुझे कोलैबोरेशंस आनी शुरू हो गई ना यूट्यूब पे, क्योंकि मेरा चैनल बहुत अच्छा जाता था। डेली के मेरे 300K व्यूज होते थे। तो पता है वो एक बड़ा बूम टाइम था, पता है सारे यूट्यूबर्स को, व्लॉगर्स को बहुत ज्यादा बूम मिला है कोविड से। हाँ, कोविड से बूम भी मिला, और तब कम भी थे, कम भी थे, गिने चुने लोग थे, और गिने चुने भी वो थे जो बड़ी मेहनत कर रहे थे। अब तो हर कोई कर रहा है, अब तो हर कोई कर रहा है। उनको पता, अली बे भी नहीं पता, पर वो शुरू किया हुआ उन्होंने। अच्छा, तो मैंने जब देखा ना, तो मुझे जब पहली कोलैबोरेशन आई, उसमें उन्होंने कहा कि हम आपको ईच वीडियो ना 5,000 देंगे। अच्छा, मैंने कहा वो अच्छा, एक वीडियो बनाएंगे प्रोडक्ट की तो 5,000 मिलेगा। अच्छा, खैर मुझे वो भी मतलब यू नो एक बड़ा लगता था कि 1-1.5 मिनट की अगर आपने इंटीग्रेशन कर लिया तो आपको 5,000 मिलता है। आज मैं अपनी इन बातों पे ना मतलब मुझे बड़ी हंसी आती है, बड़ी क्यूट लगती है, लेकिन ऐसे ही कोई स्टार्ट करता है। अभी क्या ना, अभी क्या ले रही है, अभी इंटीग्रेशन जो अब तक हंसी आती थी। नहीं नहीं, फिर मेरा एक हो गया, मुझे एक एम हो गया अंदर कि मैंने अपना घर बनाना है, क्योंकि मेरे पास अपना घर नहीं था। फिर हमने अपना पूरा सर जोड़ फेंक दिया मैंने सारा अपना घर पे। फिर मुझे ये था कि मेरे अपने नाम पे हो और मैं अपना घर बनाऊँ। फिर मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने, हमने बड़ा मतलब सेविंग की, हमने बड़ा एक वो टोटल बस सर फेंक, सर तोड़ हमने कोशिश की, पैसे बचा बचा के हमने घर बनाया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ अपने घर जैसी कोई बात नहीं है। और फिर एक औरत के नाम पे हो वो मतलब बहुत बड़ी बात है। इसमें ये नहीं है मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप करवा रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, जब तुम्हारी सारी मेहनत है तो तुम ही अपने नाम करवाओ, तो कोई बात नहीं है, हमने किधर जाना। नाम भी होगा तो औरत को ही मिलना है, औरत को ही मिलना है, कहाँ जाना है। लेकिन बस वो मुझे थोड़ा सा था कि नहीं, औरत के थोड़ा सा वो जरा हो जाता है, जरा मजबूत हो जाती है, तो इसलिए। लेकिन वैसे भी इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपके नहीं, हमें नहीं बुराई लगती ना। आप लोग हैं, हम लोगों की जरा सोच लिबरल है, लेकिन लोगों को ये बुराई लगती है। हमारी सोसाइटी पे, हमारी सोसाइटी पे लोगों को, तुम कमा रही हो तो इसका ये मतलब, ये मतलब तुम अपने शोहर के नाम घर नहीं कर सकती, तुम अपना रोब रखना चाहती हो अपने शोहर पे। इससे क्या होल्ड होता है, पता नहीं हमारी आवाम को क्या चाहिए। इंटीग्रेशन बीच में जा रही ना, इंटीग्रेशन। अच्छा, अब तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये होता है कि जब भी कोई ब्रांड अप्रोच करता है तो जाहिर है पहले उसकी प्रोडक्ट, अब हम इस लेवल पे हमने टेस्ट करनी होती है, हाँ मुझे अच्छी लगती है। चंद एक ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैं चल रही हूँ, अच्छा चार्ज करती हूँ, अब तो माशाल्लाह लाखों में हो जाते हैं। बस ठीक है, उन्होंने कह रही है मैं नजर लगवाऊं तुम लोगों इस पॉडकास्ट के जरिए, नजर लगवा रहे हैं।
पति परमेश्वर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि मतलब बहुत से इन्फ्लुएंसर होते हैं, यूट्यूबर होते हैं, उनका जब एक नाम बन जाता है ना तो वो कारोबार की तरफ आ जाते हैं, तो आपने साथ में कोई काम शुरू किया? नहीं, अभी तक नहीं सोचा, अभी सोच रही हूँ, कभी प्लान बनता भी है, लेकिन समटाइम मैं सोचती हूँ कि मैं उतना ही बर्डन हूँ जितना मैं बर्दाश्त कर सकूँ, क्योंकि अब मेरे पास इतनी ज़्यादा, पहले मेरा सारा कुछ एज अ बैकबोन मेरी बेटी थी बड़ी, अब वो जब से ज़ाहिर अपनी हायर एजुकेशन के लिए बाहर गई है, तो अभी शायद करूँ, लेकिन अभी इतनी सीरियस नहीं इस मामले में। तो बहुत मुश्किल होता है ना अपनी औलाद को अपने से दूर भेज देना, बहुत ज़्यादा। तो कैसा, इतना बड़ा दिल किस तरह किया आपने? इतना बड़ा दिल, अच्छा जब हमने सोचा ना कि हमने मलाइका को बाहर भेजना है, अच्छा एकदम से मैंने ऐसे फैसला ले लिया, हाँ ठीक है मेरी बेटी का इसमें फ्यूचर है, हाँ भेज देते हैं, हमने उसका वीज़ा प्रोसेस बड़ी बड़े शौक से, बड़े प्यार से, और फिर माशाल्लाह मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ, मेरे हस्बैंड को भी मतलब होता है ना मर्दों को भी थोड़ा सा, उनको भी नहीं था, वो खुद भी अब्रॉड रहे हैं, तो उन्होंने भी बड़ा मलाइका का साथ दिया कि नहीं इसे जाना चाहिए, सेफ है वो, वहाँ पर सेफ रहेगी, तो मतलब हमने बड़ा जर्नी ये सारा कुछ कर लिया। लेकिन जैसे 15 अगस्त गुजरी, मेरा ना ऐसे दिल खिंचना शुरू हो गया, मतलब कुछ जैसे खिंचाव आ रहा है ना मेरे अंदर, तो मुझे ऐसे लगता था कि नहीं कुछ चीज़ ना अंदर से मेरे निकल रही है, और जिस दिन मलाइका ने जाना था मैं उस दिन तो मैं, आप शायद मेरी वो वीडियो देखें तो आपको मुझ पे तरस आए। अच्छा, आप अपने जितने भी चाहने वाले हैं उनको क्या कहेंगे? बस मैं कहती हूँ कि आपने कुछ भी करना है ना लाइफ में तो आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, आप अभी उठें, आप अपने लिए मेहनत करें। मैं अपनी बेटियों को भी ये कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि कभी ये मत सोचो कि कोई तुम्हें कामयाब करेगा, कोई तुम्हारे लिए महंगा गिफ्ट लाएगा, कुछ भी करेगा, अगर आप खुद अपने आप को कामयाब नहीं कर सकते ना तो आपको कोई दुनिया की ताकत कामयाब नहीं कर सकती। अगर आपने कुछ करना है आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अब लोग मुझसे पूछते हैं अच्छा हम तो भाई ब्लॉगिंग नहीं कर सकते, तो बहुत कुछ है अब ऑनलाइन, इतने लोगों ने पेजेस बनाए हुए हैं, जिस तरह हम इतना स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करती हूँ, मैं फ्री करूँगी उनकी मैं अनबॉक्सिंग, मैं उनको प्रमोट करती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि छोटे छोटे आप काम घर से शुरू करें। अब जितने भी ब्रांड्स हैं उन्होंने कोई बाहर से आके शॉप्स इस तरह ही एमएम आलम रोड से तो उन्होंने स्टार्ट नहीं लिया ना, उन्होंने तो अपने घरों से छोटे छोटे घर से उन्होंने जीरो से स्टार्ट लिया। अगर आप कुछ करना चाहते हैं आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं, और उसी टाइम उठें और करें, क्योंकि जब हमने चैनल बनाया था तो ऐसे एक सेकेंड में मैंने चैनल बनाया था, और मेरा वैसे रियल में नेम जो है वो राशिदा नूरीन है, अगर मुझे पता होता ना कि मेरा मतलब चैनल चल जाएगा और मैं हिट हो जाऊँगी तो मैं अपने नाम से ही बनाती, मैंने अभी राशिदा मलिक पे बना दिया। देखिए फर्स्ट नेम तो अच्छा है ना, फर्स्ट नेम तो आपका ही है। हाँ, exactly. ये बात है, तो पूरे बड़े प्यार से मेरा ये नाम रखा था। अच्छा अब एक और मैं बात बताना चाहूंगी, लोग हमें अच्छा आपके फादर कैसा फील करते हैं, हमारे फादर मेरे हस्बैंड इतना हम पे प्राउड फील करते हैं कि अभी मेरे अबू मुझे बता रहे थे कि हम मस्जिद में होंगे नमाज पढ़ रहे होंगे, तो एक दिन मुझे लड़के मिले तो वो कहते हैं अच्छा आप वो आपकी फाखरा और आपकी राश्ता के अबू हैं ना, आपकी बेटियां तो पूरे सरगोधा में माशाल्लाह एक मिसाल उन्होंने कहा, क्या बात है, इतने छोटे से शहर से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, और ये हमें हमारे अबू आके बता रहे होंगे, कहते हैं और आपके लिए भी ये प्राउड मोमेंट बहुत ज्यादा। मैं कहती हूँ आपने कुछ भी करना है ना, आप देखे ना मेरी शादी को 15-16 साल हो गए थे जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, तो कोई एक्सक्यूज नहीं थी, मैंने अपनी पहचान बना ली, तो हर कोई बना सकता है। हाँ, और मुझे लगता है कि आज का पॉडकास्ट भी ना लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग होगा, क्योंकि इतनी कमाल की पर्सनैलिटी हमारे साथ बैठी हुई है, और जब इस तरह की पॉजिटिव चीजें होती रहे ना तो ऐसे लोगों को दिल करता है बार बार बुलाने का। इंशाल्लाह हम आपके साथ पार्ट टू भी करेंगे, क्योंकि आज कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं हमारे साथ, तो इंशाल्लाह हम पार्ट टू भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आप लोग का बहुत शुक्रिया, आप लोग हमें इतना सारा प्यार दे रहे हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए हमें दे इजाजत, अल्लाह।